नमस्कार, आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग होम्योपैथी के माइंड मेथड पर चर्चा करेंगे और एक रूबरिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो वो रूबरिक है इनवी क्वालिटी ऑफ अदर्स एक्ट। तो देखिए, इसमें बहुत ही कम दवा है, मात्र 6 दवा है। इस रूबरिक को यदि हम लोग समझ लेंगे तो हजारों हजार दवा से 6 दवा पर आएंगे। इस तरह का जो पेशेंट प्रायः मिलते हैं, प्रायः इस तरह के पेशेंट बोलते रहते हैं और जानकारी के अभाव में हम लोगों से माने फिसल जाता है ये रूबरिक। तो सब चलिए, अब सबसे पहले इसमें जो वर्ड हैं उसको समझना होगा। देखिए, इसमें इतने दवा है। इनवी क्वालिटी ऑफ अदर्स एक्ट में आर्सेनिक, कैल्केरिया, कार्बन, लाइकेसिस, लाइकोपोडियम, पल्सेटला और सल्फर, इतना ही दवा है इसमें। तो अब चलिए इनवी को समझते हैं। इनवी का हिंदी क्या मतलब है? इनवी का हिंदी मतलब है ईर्षा, जलन, डांह, द्वेष, ये मतलब है इनवी का। तो देखिए, अब ये इस तरह के ये इनवी से मिलता जुलता एक शब्द जेलसी भी है, तो उसका भी मतलब होता है ईर्षा, जलन, डांह, द्वेष, ये सब होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है तो वीडियो में आगे डिस्कस किया जाएगा। वीडियो पूरा देखने का प्रयास करिएगा कि इनवी और जेलसी में अंतर है भाई। तो देखिए, अब इनवी को समझते हैं। इसका डिक्शनरी मीनिंग है, इफ यू इनवी समवन, यू विश दैट यू हैड द सेम थिंग्स और क्वालिटी दैट दे हैव। मतलब कि जिससे हम इनवी करते हैं तो हम चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है कि जो क्वालिटी, जो चीज उसके पास है वो मेरे पास भी हो, मेरे पास भी होना चाहिए। यही मतलब हुआ इसका, कि जिससे हम इनवी करते हैं तो उसके पास, जिस चीज, कोई चीज से ना भाई इनवी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि उसके पास एक कार है, तो कार से हम लोग लगता है कि भाई उसके पास कार है तो हमको इनवी हो रहा है कि उसके पास कार क्यों है, हमारे पास भी कार होना चाहिए। तो ये हो गया कि जिस से हम माने इनवी करते हैं तो लगता है कि जो चीज और या जो क्वालिटी उसमें है, क्वालिटी से भी इनवी कर सकते हैं। किसी में कोई अच्छा क्वालिटी है तो लगना चाहिए कि वो क्वालिटी मेरे में क्यों नहीं है, तो मेरे में भी होना चाहिए। तो ये हुआ। तो अच्छा, दूसरा है इसका डेफिनेशन भी है कि डिजायर फॉर सम एडवांटेज क्वालिटी इटीसी दैट अनदर हैज। इसका भी करीब करीब वही मतलब है कि जो उनको सुविधा प्राप्त है, जो उनको एडवांटेज प्राप्त है, जो उनमें क्वालिटी है, हमारे पास भी होना चाहिए। अब दूसरा जो वर्ड है वो क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है गुणवत्ता, गुण, विशेषता, उत्कृष्टता, स्वभाव। तो द क्वालिटी ऑफ समथिंग इज हाउ गुड और बैड इट इज। क्वालिटी माने किसी का, कोई चीज का क्वालिटी क्या है, कि वह कितना अच्छा है और कितना खराब है, यही उसकी क्वालिटी होती है। क्वालिटी का मतलब होता है पिकुलियर पावर, कैपेसिटी, वर्चू, डिस्टिंक्शन, ट्रेड, ये सब मतलब हुआ। तो ये हुआ। तो अब इस रूब्रिक का माने शाब्दिक अर्थ हो गया कि माने रोगी को ईर्षा होती है, जलन होती है, दाह होता है कि किसी के, दूसरे के पास जो कुछ गुण है, क्वालिटी है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। यही हो गया इसका मतलब। तो अब देखिए, इतना जानने से तो काम नहीं चलेगा ना। अब पेशेंट के भर्सन हम लोग को, तो भाई पेशेंट के जब तक भर्सन को नहीं समझेंगे तब तक तो कुछ काम चलेगा नहीं। तो पेशेंट के भर्सन को समझना होगा। तो चलिए, अब आगे इसको पेशेंट किस तरह से बोलेगा बताएंगे। पहले इसको समझिए अच्छा से, इनवी और जेलसी में डिफरेंस क्या है। देखिए, अब तो पहले बता चुके हैं कि उसमें भी, जेलसी में भी होता है ईर्षा, जलन, डाह होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो अंतर भाई क्या है? अंतर है कि देखिए, वो ईर्षा जो जलन जो होता है,
जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है और दूसरे बच्चा के पास कोई खिलौना है, तो इसको माने जलन हो रहा है कि हमारे पास भी क्यों नहीं है, तो वो क्या करेगा, उससे छीन ले सकता है, और या उसके खिलौना जब वो नहीं कर पाएगा तो उसको किसी न किसी खिलौनों को तोड़ देगा। ये हो गया जेलसी। और जो इन्वी वाला है वो इस तरह से नहीं करेगा, इन्वी वाला तोड़ेगा नहीं, वो उसको लगेगा अन के फादर हैं मदर हैं, अन से के बताएगा कि मम्मी पापा हमारे पास भी उस तरह के खिलौना ला दो, हमको भी ला दो उस तरह से। तो ये हो गया, इसमें मैंने एक तरह से कहिए कि कंपटीशन की भावना होती है, हेट्रेड की भावना नहीं है, हेट्रेड नहीं होता है, माने दूसरे को नुकसान करके माने वो चीज प्राप्त करना नहीं चाहेगा। और जेलसी वाला में होता है क्या कि उसमें नुकसानों करके किसी भी कीमत पर उसको चाहिए भाई उसको वो चीज, दूसरा का नुकसान होगा क्या होगा इससे उसको मतलब नहीं है, चाहिए तो चाहिए। तो ये हो गया दूसरों को, अच्छा इन्वी के लिए दूसरों को अपने से अच्छा स्थिति में देखकर असंतुष्टि की अनुभूति होती है। इसमें क्या होता है इन्वी में, दूसरा कोई को देखा कि हमारे से अच्छा माने पोजीशन में है, किसी भी कारण से हो सकता है, उसमें गुण के कारण या कोई चीज वस्तु है, इससे उनको धन संपत्ति किसी कारण से हमसे वो अच्छा पोजीशन पर है, वो तो उसको असंतुष्टि की भावना होती है कि हमको भी वो चीज रहता तो अच्छा बात है, ये चाहता है। ये नहीं चाहता है कि उसको टंगरी घींच करके भी, पैर घींच करके भी हम वहां पर पहुंच जाए, ऐसा नहीं। कंपटीटिव की भावना होती है, कंपटीशन की भावना होती है कि हम उससे आगे तो निकल जाएंगे लेकिन उसको कोई नुकसान ना हो, इस तरह की भावना होती है इसमें। तो अब देखिए पेशेंट कैसे बोलेगा, तो पेशेंट बोल सकता है, अब एक चीज और है कि ऐसे लोग जब आएंगे ना दवा हुआ के लिए तो प्रायः अपने को दूसरे से तुलना करेंगे कि देखिए ना, मैंने वो लेडीज आई तो बोल सकती है कि देखिए ना वो तो जो है से कि जल्दी जल्दी काम कर लेती है और हम उतना उसके ऐसा जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाते तो हमको खराब लगता है, इस तरह से बोल सकती है। अब देखिए एक हमको पेशेंट का याद आ गया तो उसको बता देने से थोड़ा सा ये चीज और क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए एक पेशेंट आया तो उसका उम्र करीब 60 बरस का था, तो उसको घुटना में दर्द था, तो बोला कि हमको ना जब अपने उम्र के जो हमारे मित्र हैं साथी हैं तो जब काम करते हुए देखते हैं ना तो बड़ा हमको माने थोड़ा खराब लगता है और लगता है कि हम भी उन्हीं के तरह करते, हम भी उन्हीं के तरह काम करते ना। खेती बाड़ी करने वाला था, तब बोला कि वो लोग खेती बाड़ी कुदाल उदाल चला लेते हैं अच्छा से, मैं नहीं चला पाता हूं, तो उनको लोग उनको करते हुए जब देखता हूं तो लगता है कि हम भी उन्हीं जैसा काम करते, खेती उती करते। तो यही हो गया, देखिए उसके पास क्वालिटी है, 60 वर्ष के तो दोनों हैं लेकिन उसमें जो है दूसरा वाला व्यक्ति के पास क्वालिटी है कि वो 60 वर्ष में भी माने वो काम कर ले पा रहा है, कुदाल चला ले पा रहा है, खेती कर पा रहा है लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। तो जिसको देख करके उसको इन्वी हो रहा है, इसमें माने ये नहीं है, जेलसी नहीं है कि माने उसको भी इसी तरह हो जाता, उसको भी ये नहीं कर पाता तो बढ़िया है, तो ये नहीं है इसमें। इसमें है इन्वी है कि हमको भी मैं भी उसी तरह से काम कर पाता तो अच्छा होता, यही है, इसमें नुकसान की भावना नहीं है। तो आज के लिए ये इतना ही, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जय हिंद।